हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो गाइस, क्या आप आपके लैपटॉप और पीसी में गूगल क्रोम ब्राउजर डाउनलोड करना चाहते हैं? तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो हेलो गाइस, दिस इज संजीव कुमार, यू आर राइट नाउ वाचिंग संजीव टॉक। गाइस, आप देख सकते हैं मैं मेरा लैपटॉप में गूगल क्रोम ब्राउजर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया हूँ। और गाइस, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे मैं मेरे लैपटॉप में गूगल क्रोम ब्राउजर डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हूँ। गाइस, आप सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर लीजिए। उसके बाद गाइस इस सर्च बॉक्स का ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद गाइस टाइप कीजिए गूगल क्रोम डाउनलोड। गाइस, गूगल क्रोम डाउनलोड टाइप करने के बाद सर्च कर दीजिए। उसके बाद गाइस सबसे पहले एक लिंक आ जाएगा। गाइस, यहाँ पे जो सबसे ऊपर वेबसाइट आ रहा है उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद गाइस कुछ इस तरह आप इंटरफेस देख सकेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल क्रोम डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है। गाइस, आप इस डाउनलोड क्रोम का ऊपर क्लिक करके इस ब्राउजर को डाउनलोड कर लीजिए। गाइस, डाउनलोड क्रोम का ऊपर क्लिक करने के बाद और एक नया इंटरफेस आप देख सकेंगे। गाइस, यहाँ पे डाउनलोड क्रोम मैनुअल का ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप देख सकेंगे गाइस ये ब्राउजर डाउनलोड होना शुरू हो गया है। गाइस, ये क्रोम ब्राउजर डाउनलोड होने के बाद ये क्रोम ब्राउजर आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। गाइस, ये क्रोम ब्राउजर मेरा सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए आपको इंस्टॉलिंग प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ। गाइस, ये वीडियो देख के आपका थोड़ा भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो को आपके दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और गाइस, आप इसी तरह आपके लैपटॉप और पीसी में गूगल क्रोम ब्राउजर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और गाइस, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी तरह ट्रस्टेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए संजीव टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।